वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस मवाना रोड मसूरी मेरठ। मेडिकल हब बन चुके मेरठ में अब आदि योगी हॉस्पिटल ने धमाकेदार एंट्री कर दी है। पिछले 30 सालों से अपनी अनुभवी चिकित्सा सेवा दे रहे डॉक्टर अनिल पवार ये हॉस्पिटल मेरठ में पश्चिम उत्तर प्रदेश के मरीजों के लिए लेकर आए हैं। डॉक्टर अनिल पवार ने पश्चिमी यूपी की पहली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वर्ष 1992 में की थी। वह अब तक 30,000 से ज्यादा सर्जरी कर मरीजों को नया जीवन दे चुके हैं। कल यानी रविवार को आदि योग्य हॉस्पिटल का शुभारंभ होने जा रहा है। इस हॉस्पिटल में आधुनिकतम चिकित्सा पद्धति द्वारा विभिन्न रोगों का इलाज व सर्जरी की जाएगी। आज हुई प्रेस वार्ता में डॉक्टर अनिल पवार, डॉक्टर अरुण गोयल, डॉक्टर सिद्धार्थ चौहान, डॉक्टर परवेज अहमद आदि मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से यह वार्ता की गई। आदि योगी अस्पताल के बारे में बताएं, इसमें क्या स्पेशल फैसिलिटी पेशेंट को मिलेगी? देखिए, मेन हमारा फोकस ऑपरेशन थिएटर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर पर है। क्योंकि मैं बेस्ट सर्जन हूँ, डॉक्टर परवेज ऑर्थोपेडिक सर्जन है, डॉक्टर अरुण गोयल सर्जन है, बाकी भी लोग सेम वे मेडिकल केयर भी उतनी इम्पोर्टेंट है। अब हमारा पेशेंट को सपोर्ट, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ऑपरेशन के बाद सांस की दिक्कत है, उसके लिए आईसीयू केयर, वेंटिलेटर फैसिलिटीज ना। लेकिन टेक्निकली वो एक इक्विपमेंट की क्वालिटी भी है मैटर करती है, बेटर क्वालिटी इक्विपमेंट्स, एनेस्थीसिया की मशीनें जैसे हैं। एक मशीन, बेसिक मशीन की कीमत आप समझिए कि 1,00,000 रुपये की होती है। उसमें क्या है कि मरीज को ऑक्सीजन जाएगी, अगर मरीज सांस दे पाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी ना। तो मशीनें उतनी कैलकुलेटेड हो देगी और उसका स्टैंडर्ड मशीनों का मशीन क्वालिटी। थिएटर में स्टेलाइजेशन, अगर डॉक्टर परवेज कितनी बढ़िया ऑर्थोपेडिक सर्जरी करें या स्पाइन की सर्जरी करें, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया उसमें तो सारा खेत खराब। तो उस चीज़ पर मेन एम्फेसिस है कि वो जो आपने 30,000 से ज़्यादा ऑपरेशन आपने को किए जी, ये तो एक अपने आप में रिकॉर्ड हो गया। बिल्कुल रिकॉर्डिंग और कब आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया था? और 30,000 का जो है मैसेज फिगर आपने, मैंने आपको बताया 93 में फर्स्ट सर्जरी में दिखाया आप, और तब से मैं यही करता रहा हूँ। जब आप लोगों ने स्कूल से भी कभी जाना, आप सब कहाँ से पास आउट हुए? मैं ही LLR मेडिकल, जब मैं पास करके निकला था लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहीं होती नहीं थी, मेडिकल कॉलेज में भी कहीं ट्रेनिंग नहीं होती थी। अपने आप से मैंने जो था, क्योंकि उस समय कुछ लोग सीख के आए थे इंडिया में। ऑर्थोपेडिक सर्जरीज तो हम लोग बेसिकली हम लोग ने वेरियस जगह से KGMC से मैंने ऑर्थोपेडिक्स किया, उसके बाद मैंने कई फेलोशिप की, फोर्टिस नोएडा हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, इवन टाटा में। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट सर्जरी जो मेरठ में है 2004 से हम लोग करते आए मेडिकल कॉलेज में, मैं यहाँ 20 साल तक के रहा हूँ। और यहाँ पे नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, इवन एल्बो, शोल्डर और स्पाइन की जितनी भी वर्ल्ड फेमस सर्जरीज होती है रिलेटेड टू द पेशेंट, सभी हम लोग की। और ट्यूमर पे फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे जितना भी रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीज की, लिम्स ऑपरेशन सर्जरीज, वो सब हम लोगों ने परफॉर्म किए। यहाँ पे सबसे बेस्ट आदि योगी हॉस्पिटल्स का ये है कि जो हमारे लोगों का स्टर्निटी सिस्टम है वो वर्ल्ड फेम का स्टैंडर्ड का है, विद ईटीओ फैसिलिटीज हम लोगों के पास। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।